Oh, wow. Now you feel now bad? I feel bad. No, but I said that he's bigger than me. Cause I'm missing more than just your body. वो गाते भी हैं, रैप भी करते हैं, डायरेक्टर भी हैं, व्लॉग्स भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं. आपने सही जाना, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर और व्लॉगर तैमूर सलाहुद्दीन, आईके मूरू. मूरू, मूरू, व्हाट? मूरू आपने सही कहा. सही बोला. पहली दफा किसी ने सही कहा. बिकॉज़ आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि मैंने सही प्रोनाउंस किया या नहीं किया है. हाँ, इसीलिए मैं अपने वीडियोस में कोशिश करता हूँ खुद ही बोल दूँ, क्योंकि मुझे मोरू, मूरू, मोरो सबसे वियर्ड. आपने क्या प्रोनाउंसिएशन सुनी अपने नाम की? मोरी. सीरियसली? ये तो नहीं हो सकता. वो मेरे ख्याल से वो वियर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं थी, वो शायद मजाक था, लेकिन मुझे लगा कि क्या कहना चाह रहा है. तो आपका रिएक्शन क्या था उसमें? मेरा रिएक्शन ये था कि मूरू है. और मैं यूजली कहता हूँ कि नाम है, खैर है, जिस तरह मर्जी प्रोनाउंस कर लो, लेकिन जब मजाक ज्यादा हो जाए तो रोकना पड़ जाता है. तो आपकी ज़िंदगी के बारे में आपके सारे जो फैंस हैं, व्यूअर्स, तो जानते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से इतना कंटेंट टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं. बट फिर भी हम कुछ बातें करना चाहते हैं उन्हीं टॉपिक्स पे. तो मैं स्टार्ट करूँगी आपकी स्टोरी से कि आप अपनी वाइफ से कहाँ मिले, कैसे मुलाकात हुई उनसे? मेरी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई थी ऑन अ सेट ऑफ अ म्यूज़िक वीडियो दैट वी वर प्रोड्यूसिंग. सलमान नूरानी ने बनाई थी, लक्स स्टाइल अवार्ड भी जीती थी. द म्यूज़िक वीडियो इज़ कॉल्ड मरियम, आफ्टर द सॉन्ग इटसेल्फ मरियम. और वो मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड पे गाना था. मैंने सुना है. और हाँ, तो उस गाने के दौरान देखें किस तरह होता है, किस तरह ये चलता है सिलसिला. के बहुत आयरोनिक है ना, एक चीज काम नहीं करती लेकिन उसकी काम ना करने पे जो एक आप क्रिएट करते हो चीज, उससे आपको अपनी बीवी मिल जाती. एक्स गर्लफ्रेंड पे जो गाना था वो शूट किया तो बीवी मिल गई. अमेजिंग. तो वहाँ पे क्या, व्हाट मतलब क्या हुआ कि आपने उनको नोटिस कैसे किया पहले और कब? पहले मैंने नोटिस ये किया कि एक लड़की है जिसकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है सेट. अच्छा, पे. हाँ. तो मैंने कहा इसकी इतनी ज़्यादा अथॉरिटी क्यों है और वो इतनी आपकी मर्दानगी बाहर आ गई कि हाँ ये औरतों के कैसे. नहीं, मुझे एक्चुअली अट्रैक्टिव लगी उसी बात पे, क्योंकि वो अथॉरिटेटिव थी. क्योंकि जनरली मुझे डैमसल, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, डैम मुझे, मुझे बचा लो, वो नहीं था वो. मुझे होता है मुझे बचाओ. कोई लड़की आए दूसरे को मुक्का मारे, मुझे बचाए. अच्छा. तो आई मेट हर, तो एंड ऑल द girls that I've from beginning been attracted to are authoritarian girls. Okay. I also come from a matriarchal family, so you know, like my mother is a very strong woman. There are a lot of very successful women in my family. Okay. So I've seen that and I find that very attractive. Attractive. Strangely. Yeah. So I met her like that, and then slowly she was working on the project and she had to animate me. तो मैं स्टॉप मोशन था ना, तो मैं उनका पपेट था. तो वो आके मुझे हाथ लगा के यूं करती थी. मैं कहता था कुछ दिल में, कुछ दिल में, कुछ कुछ होता था जिस्म में, तो सब कुछ मिला के मैंने कहा यार चांस. तो उस वीडियो के शूट के दरमियान ही आपको रियलाइज हो गया था या उसके बाद यू फेल्ट के? मैं प्रोफेशनल आदमी हूं तो मैंने वीडियो शूट के दौरान रियलाइज किया था, लेकिन कुछ किया नहीं था. मैंने कहा कि ये वीडियो नहीं खराब हो सकती. तो वीडियो जैसे ही खत्म हो रही थी, उसके लास्ट डे ऑफ शूट पे मैंने कहा कि यार आई वुड लाइक टू टेक यू आउट इफ यू डोंट माइंड. तो क्या कहते हैं, फिर एक दिन रहता था तो वीडियो शूट खत्म हुई एंड देन वी स्टार्ट डेटिंग. बट यू नो ऐसा होता है ना, जब किसी को आप पसंद कर रहे हैं, कोई आपको पसंद कर रहा है, थोड़ा वो होता है ना कि देख रहे हैं एक दूसरे को चुप चुप के, कुछ स्माइल कर दी, थोड़ा आइडिया हो जाता है. तो वो चल रहा था जब आप दोनों के दरमियान वीडियो की शूट में, आपको अंदाजा हो रहा था कि? मेरे लिए तो चल रहा था. अब मुझे बताया जाता है कि मैंने किसी दिन, अभी अजीब सी बात, मैंने किसी दिन जराबे उतारी थी और मेरे पैर सफेद हैं. ओह. तो लड़कियां बैठी हुई मेरे पैरों की बात कर रही थी. तो मेरे ख्याल से वहां पर खाली पैर नोट हुए थे. ये सफेद पैर हैं अंदर से. अच्छा, ओके. तो यू लाइक्ड हर एंड यू आस्क्ड हर आउट, लेकिन उस वक्त कोई आपको वो ये नहीं था कि मैंने इसी से शादी करनी है. उस वक्त तो इट जस्ट स्टार्टेड, राइट? नहीं, हाँ. और मेरा वो अप्रोच भी यही रही है कि मैं शादी, जब आप जान लो इंसान को तो उसके बाद. तो क्या पॉइंट था जब आपको लगा कि हाँ यार यही लड़की है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ? क्या पॉइंट है, क्या चीज़ आपको, लाइक व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज्ड कि शी इज़ दैट इम्पोर्टेंट? वेल, आई वाज अट्रैक्टेड टू हर. या सो द फर्स्ट थिंग वाज क्रॉस्ड आउट. आई वाज लाइक ओके, दैट्स रिक्वायरमेंट नंबर 1. या क्रॉस्ड आउट. बट देन द रिक्वायरमेंट नंबर 2 इज ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट, व्हिच इज लाइक शी हैज दोस्ताना ताल्लुकात. मतलब कि बातचीत हो सकती है, वरना वो अट्रैक्शन पे खत्म हो जाती है चीज. और आप इंसान से अगर आपको कोई दिलचस्पी ना हो ना, तो वो चीज़ आगे बढ़ती नहीं है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा. तो आई फाउंड के क्या कहते हैं, वी कुड टॉक एंडलेसली अबाउट
आर्ट म्यूजिक वी हैड सिमिलर इंटरेस्ट्स तो वो उनके ऊपर बातें चलती रहती थी और वो बातें कभी खत्म नहीं होती थी तो मैंने कहा यही तो चाहिए ओके या सो एंड दैट हैपेंड आई थिंक वी ब्रोक अप वंस बीच में एज वेल हां कि वी फेल्ट लाइक नहीं ये आई थिंक एक्सक्लूसिव कंटेंट है हां ये राइट ये पहले कहीं क्या हुआ ब्रोक अप पे कितना कोई उस पे व्लॉग नहीं निकाला मैं बीच में चला गया था दुबई को 2 महीने के लिए तो हम फोन वाले लोग नहीं है लाइक इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई गो टू ट्रैवलॉग्स एंड स्टफ एंड शी इज नॉट विद मी एक दो मैसेजेस भेजते हैं अच्छा. और मेरे ये नहीं होता कि हां तुमने क्या सुबह किया सुबह उठी मैंने दान ब्रश किया मैंने ये किया कोई सीन नहीं है मैं भी नहीं बताता उसको कि मैंने सुबह उठा दान ब्रश किया हम मिलते हैं तो बात कर लेते हैं फोन पे कोई जरूरत नहीं होती तो 2 महीने जब मैं दुबई में था तो हमने बिल्कुल भी बात नहीं की थी तो फिर जब वापस आए तो फिर वो कनेक्शन दूर सा हो गया तो फिर किसने वापस किसको अप्रोच किया बट बैक टुगेदर 3 डेज लेटर लेकिन उसमें आपने मिस किया उनको बहुत ज्यादा ब्रेकअप के बाद नहीं नहीं उस 2 महीने में जब आप दुबई में थे डिड यू मिस हर दैट मच अच्छा ये तो मैंने बड़ा क्वेश्चन नॉट देन आई डिडंट मिस हर बिकॉज़ आई वाज लाइक really busy with work and I was like completely like absorbed with what I need to do in my career and I there's a problem so kya aajkal to aajkal phir wo janooni kism ki mohabbat nahi hoti hai badi sochi samjhi aur practical kism ki mohabbat hoti hai kya janooni mohabbat usually long lasting mohabbat nahi hoti mere experience mein okay janooni mohabbat ek thodi der tak last karti hai fir uske baad wo janoon jo hota hai na wo usually hormones hote hain okay aur wo hormones exhaust ho jate hain aur aap kya ab kya okay you know like wo like a lot of people like let's say Mahira Khan is the one that everybody would be like isse shaadi karni hai oh agar dimag mein aapne ek banayi hui image na to aap let's say abhi ke liye hum Mahira kehte hain lekin Mahira aapke liye jab aap unko date kar rahe honge na to pehle 1 mahine ke liye Mahira hongi uske baad wo insaan ban jayenge phir wo kya aapko insaan pasand hai ki nahi pasand aa jayegi baat to wo junoon jo hota hai wo mere khayal se shuru mein hi hota hai aur ye aap people romanticize this as well na ki oh yaad hai hamari relationship mein itna spark hota tha shuru mein it goes away you know and it comes back and it goes away and there's you have to find something other than just the physical attraction and yeah acha to aapki ideal date kya hai like what would you and your wife like to do ya aap kahan unko romantic dinner pe le jayenge kahin walk pe le jayenge kahin you know you go to a theme park with go karts and what is your I like traveling with her abhi we just went to Denmark Copenhagen and Berlin together and it was a lot of fun we get to know each other we get to explore things together that's I think that is the best sort of time spent together with my wife and then other than that normal is nice okay ke grocery shopping chale gaye oh nice best time ideal date ha ideal grocery date grocery shopping नॉर्मल चीजें इम्तियाज पे चले जाएं और कोई वहाँ पे मुझे आके रिकॉग्नाइज ना करे और हमें तंग ना करे तो फिर वो तो मुश्किल होता होगा मुझे अच्छा लगता है मैं कहता हूँ ओ हाँ लेकिन वो मुश्किल होता होगा ना कि कोई फिर आ गए तो डस शी गेट जेलस वो पोसेसिव है वो आपकी फीमेल फैन से थोड़े जेलस होती हैं कैसी हैं वो समटाइम्स मैं भी जेलस हो जाता हूँ जेलसी तो हो सकती है ना मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं खुद ना क्रिएट करूँ पहले मेरा ये होता था कि स्नैपचैट के ऊपर ना कुछ लड़कियाँ तस्वीरें भेजती थी और तस्वीर जरा यूं पोस्ट करके कोई तस्वीर भेजती ना तो जब मैं वेट कर रहा हूँ ना मैं स्नैपचैट के थ्रू स्ट्रीक 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 ओ लड़की की तस्वीर ये देखो मुझे लड़कियाँ तस्वीरें भेजती हैं और कहती थी अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊँ कि मुझे लड़के क्या बातें करते हैं मुकाबले पे नहीं ठीक है तुम्हें कोई लड़के कुछ नहीं कहते और मैं तुम्हें तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा ये होता ही नहीं है और मैंने स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दी so okay I'm sure jealousy can be created but do haathon se taali bajti hai to aap agar jealous karwa rahe ho to kyun karwa rahe ho kya ho gaya relax ho jao lekin aap jis field mein wahan to matlab aapki kaafi फीमेल फॉलोअर है ना वो आप चाय करा रही हूँ नहीं हूँ करा रही हूँ लोग जाके यूट्यूब पे कमेंट करते होंगे अजीब अजीब किस्म के डीएम करते होंगे यू नो तो हाउ डज शी यूजुअली कभी आप डीएम वगैरह पे उसको जैसे आप बाजार भी गए या कहीं रेस्टोरेंट गए कोई भी आके कोई क्रेजी हरकत कर सकती है कभी हुआ है ऐसा एक दफा किसी को हुआ था कि खातून आई थी और उन्होंने हाथ पकड़ लिया और मेरी बीवी यहाँ पे ही साइड पे खड़ी हुई थी तो उनने कहा कि मेरे वालिद साहब भी पोएट हैं आई अंडरस्टैंड और मैंने कहा पता नहीं क्या समझी मैं पोएट कहीं से भी नहीं हूँ बोंगा आदमी हूँ तो आपके वालिद साहब कोई ग्रेट आदमी होंगे और फिर वो हाथ छोड़ ही नहीं थी कि मैं आई एम नॉट गोना लेट गो ऑफ योर हैंड तो मैंने हाथ निकाला और बीवी सामने कर और मैं कट गया और फिर मैं उनके हस्बैंड भी थे वहाँ पर तो मैं उनसे बात करना शुरू हो गया तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्या कहते हैं
मैंने अपनी बीवी को अजीब सी पोजीशन में डाला है कि मैं उनको एज अ शील्ड यूज कर रहा हूं. And she didn't like it as well. Oh, she didn't like it. No, okay. She didn't like it. She didn't like being used as a shield. So I was like, okay. उन्होंने कहा तुम जाओ खुद जाके अपनी हिफाजत करो. मैं नहीं तुम्हारी हिफाजत करूंगी. या इधर मुझे ना लेके जाया करो ऐसी जगहों पे. Oh, okay. हाँ, तो मैं अब खुद भी नहीं जाता उस तरह की जगह. कोशिश करता हूँ अवॉइडेंस. लड़ाई करती हैं क्या? कैसी रिलेशनशिप है आपकी? कोई लड़ाई के बगैर रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती. अच्छा. हो सकती है. टिपिकल किस्म की है या नहीं? बोर तो होगी, बट आप दोनों की कैसी है दोस्ताना? जैसे आपने बोला बहुत अंडरस्टैंडिंग है या शी इज वेरी सेंसिटिव, आप बहुत सेंसिटिव. यू टेल अस हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद हर. बोथ सेंसिटिव. मैं बोलता बहुत ज्यादा हूं. वो थोड़ी क्वाइट है मेरे से. अच्छा, वैसे मैंने जो वीडियोस देखी मुझे लगता है वो भी काफी बात होनी है. हाँ, मजे ही लगती है. लिखा ना. अच्छा. वरना वो अगर अगर बैठी भी होती है तो ज्यादा बोलती नहीं है. नहीं बोलती. ओके. मैं इंटरप्ट भी करता हूँ. वो एक चीज है जो मुझे बताई जा रही है. मेरी बहन भी बता रही है कि मैं इंटरप्ट ज्यादा करता हूँ. मेरी बीवी भी कह रही है, तो अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ. बट मैं बोलता ज्यादा हूँ, बोलती कम है. तो द रिलेशनशिप इज काइंड लाइक मैं बोल रहा होता हूँ और वो सुन रही होती है. एंड देन कुछ दिन ऐसा होता है कि उनने कोई नई किताब पढ़ी होती है और बहुत कोई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होती है. और फिर सारी रात बोलती हूँ, मैं कहता हूँ शुक्र है मेरा कोटा पूरा हो गया. बैलेंस हो जाए ना. बैलेंस हो जाए. हाँ. सो देयर इज नॉट देयर फाइट्स ऑफ कोर्स एंड द फाइट्स आर ओवर यूजुअली मेरा मुँह फट होना या मुझे मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कुछ चीज़ें मजाक में. हाँ. और इंटरनेट पे मुझे अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करना होता है. लेकिन मैं कोशिश मेरा ये होता है कि यार मैं दोस्तों के साथ तो कम से कम वो बातें कर सकूँ ना जो मैं करता आ रहा हूँ कब से. तो यू गेट दैट आई एम नॉट अ बैड पर्सन. अदर्स माइट थिंक अदरवाइज. सो दोज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आई एम लर्निंग एंड आई एम काइंड ऑफ ग्रोइंग. सो शी इज कंसर्न्ड अबाउट योर रेपुटेशन बेसिकली. She doesn't want you to be that moodfart and not don't want people to think bad of you. She's concerned about, I think, and I'm not sure, like she would be a better person for this question, but I think she's concerned about where all of मेरी जो बेख्तियारी है ना, ये मुझे किसी पागलपन की तरफ ना ले जाए. ओके. और मैं पागलपन में मुलव्वस हो चुका हूँ ड्रामों में. और आजकल ड्रामे बड़े चलते हैं ना ट्विटर पे, कोई ड्रामा हो गया उसमें इन्वॉल्व हो जाना. तो शी डजंट लाइक दैट. तो मैं वो मुझे भी पता है वो पागलपन है, लेकिन जब मैं उसमें घुस जाता हूँ तो मुझे नजर नहीं आ रहा होता. बट दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर एंड यू आर वेरी लकी टू हैव समबडी हु सो जितना सोच रही हैं आपके बारे में. शी कीप्स मी एंकर्ड एंड ग्राउंडेड एंड आल्सो सेंसिबल. शी इज मच फार मोर सेंसिबल देन आई एम. जब लड़ाई होती है तो कौन किसको मनाता है पहले? Mostly. शायद मैं मनाता हूँ. कैसे मनाते हैं? गाना गा के? या क्या कैसे? हाउ डू यू? नहीं, गाने नहीं. मैंने गाने पता नहीं बहुत देर से गाने छोड़ दिए. मैं यूजुअली सॉरी करके ही मनाता हूँ. बड़ा सिंपल सा होता है. हां. बट अगर शोल्डर पे हाथ रखे कहते हैं सॉरी. हां. क्या हो गया? व्हाई आर यू सो एंग्री? तो अगर गाना गा के मनाना हो कौन सा गाना गाएंगे? गा के बताएं हमें. कोई है नहीं गाना ऐसा. एक्चुअली ये गिला है उनका कि तुमने मेरे पे अभी तक गाना नहीं गाया. दैट्स ट्रू. मैंने कहा शादी कर ली, अब क्या गाना गाएं? अब हमें ना आप उनके लिए एक थोड़ा सा रैप करके सुना दें. किन के लिए? अपनी वाइफ के लिए. वाइफ के लिए ऑन द स्पॉट. ऑफ क्या? एक्सक्लूसिव कंटेंट. नहीं, अगर मैं उनके लिए कभी गाना गाऊंगा तो वो बहुत सोच समझ के और अच्छा होना चाहिए. ऐसे ही मैं नहीं कर सकता, बुरा हो जाएगा ना. ओके ओके, सुनने जाके ठीक है. सोचे समझे बगैर तुमने वो कर दिया. So who do you think is a bigger YouTuber in Pakistan? Mooroo or Irfan Junejo? I think in numbers Irfan is far more popular than I am. Okay. For sure. Yeah. Okay. In your opinion, the numbers a bigger? I don't know. I mean. Okay. Or generally, agar main naam na loon Irfan ka, generally open chhodun to fir kiska naam lenge aap? यार नंबर्स में तो पीफोर पकाओ इज आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर एंड उसके इतने व्यूज हैं कि ही कैन प्रॉब्ली सस्टेन जस्ट ऑफ ऑफ यूट्यूब रेवेन्यू इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग इन अ कैलकुलेटर. कभी करते हैं बैठ के यार इसके इतने, इसको इतनी तो मिल रहा होगा, इसको इतना तो मिल रहा होगा, करते हैं कभी? यूट्यूब कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर इस तरह की बातें होती हैं तो फिर वो आपके दिमाग में भी चलती हैं. ओके. बट इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल आल्सो ना इफ समबडी इज टेलिंग आपके बारे में बात करूं कि यार तुमने यार इतनी. We kind of say कि यार तुम 3 लाख में तुमने वीडियो कर दी, दिमाग खराब है? Oh, okay. क्या कर रहे हो? तुम्हारे इतने व्यूज हैं, ये है तो अगर तुम 3 में करोगे तो फिर ये क्या? So there is a YouTube community in Pakistan and it's very supportive, it seems like that. Okay. And you guys look out for each other. Yeah, we do. Who created this? किसने, किसका initiative था ये? Randomly, I think Danish Ali created a group and then he left the group and then everybody's in the group. Okay. Sorry, this is funny.
क्यों आपने दानिश को क्यों नाराज कर दिया आप लोगों ने? नाराज नहीं किया, उसने किसी और काम के लिए ग्रुप बनाया था और वहां पे बातें शुरू हो गई और आप लोगों ने उसको ओके ओके। अच्छा, अगर कल आपको ये सिचुएशन आती है कि फॉर सम रीजन आप अपना यूट्यूब चैनल मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, एंड यू नीड टू गिव इट टू समबडी, किसको देंगे आप? अगर मैं अपना YouTube चैनल मैनेज नहीं कर सकता और किसी और को देना है, मैनेज इन द सेंस कि कंटेंट ही नहीं क्रिएट कर सकता। हाँ बिल्कुल, आप कुछ नहीं कर सकते अब, या आपने किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है, तो आपको कौन यूट्यूबर पाकिस्तान में लगता है जिसको आप कहेंगे कि यार अपना नाम तो मैं किसी को भी नहीं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने नाम पे है ना, तो मेरी शनाख्त है, और अगर मेरा काम नहीं उस पे जा रहा तो फिर मेरी शनाख्त को डिस्टर्ब। लेट्स कीप इट लाइट ना, हम इतना नहीं सोच रहे, बस वैसे अगर उसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं उसको कह दूंगा जस्ट वाइम्स, let's okay. say if we call it that. I would give it to someone who's not a YouTuber yet. Like I'd give it to someone like Kamal Khan who's making content that I would want to be making. Like I don't think मैं इस तरह का content बना रहा हूँ जो मेरी full capacity है, capability है. मैं अभी बना रहा हूँ तेजी में और YouTube को तेजी चाहिए होती है. तो अगर मुझे वक्त मिलता और मैं अच्छी चीज़ें बना सकता तो मैं लाल कबूतर टाइप फिल्म बनाता. और कमाल खान इज एंड नदीम बेग, नो आई वांट टू से नामालूम अफराद एक्टर लॉ, ओके ओके, हां हां, या व्हाई एम आई फॉरगेटिंग, ही इज वन ऑफ माय हीरोज, नबील एंड फिजा, नबील इज वन ऑफ माय हीरोज, आई वुड गिव इट टू हिम इफ ही वुड टेक इट, और कमाल खान और नदीम बेग तो ही इज ऑलरेडी। अच्छा, तो हमने यही सवाल इरफान जुनेजो से पूछा था, आपके ख्याल में उन्होंने किसका नाम लिया? आई डोंट नो किसका नाम लिया, उन्होंने लिया एक कोई यूट्यूबर है, तैमूर सलाहुद्दीन। अच्छा, really? Yeah. Oh wow. Now you feel bad? I feel bad. No, but I said that he's bigger than me. Now you feel bad, Hannah. It's okay, proof we were not that intending he's to do not that. Just bigger than me as a YouTuber, he's also a bigger person. This is what it proves. There's I'm covering it up like proper. okay. Sorry, no, I mean, to add more about Irfan, I think Irfan is the only person who I see who's growing. And the reason why I wouldn't give it to him is because he is growing okay. on his own channel so fast and so true. Well. That's and he's his craft bhi bahut improved. MashaAllah se, yeah. So he's doing really well. So you used to be in Lahore, right? Lahore se belong karte hain aap. Yeah. Phir, I think 7 years back, aap Karachi aa gaye. Yeah. जब कराची आप आए, सबसे पहले क्या चीज़ आपको हिट की कराची में आके, लाइक क्या डिफरेंस, क्या फर्क, कोई भी चीज दैट यू नोटिस्ड? जुबान करीले, क्या कर ले? अच्छा, अबे ये सारे कराची वाले तो ऐसे नहीं बोलते, किन लोगों से मिल रहे थे भैया आप लोग? क्या कर ले? कभी किसी ने ये मैंने जब सुना ना वो पान, ये चीज वहाँ पे भी नहीं है, तो हाउ डिड यू फील? स्ट्रेंज लगता था या यू फेल के? मुझे हंसी आती थी, मुझे क्योंकि चल रहा है होता है ना, चल रहा है, वो र खत्म हो गया, चल रहा है, सही चल रहा है, तो वो चीजें नई थी और मुझे फनी इस तरह भी लगती थी क्योंकि पंजाब में रहते हुए खाली पंजाबी होते हैं, तो यहाँ पे जब मैं आया था तो बहुत सी फर्क लैंग्वेजेस थी और लैंग्वेजेस में मेरा इंटरेस्ट भी है, लेकिन एक लैंग्वेज की चीज जो आपको अजीब लगती है कि वो सारी आपने इंडियन मूवीज में और बॉलीवुड में देखी हुई होती है, तो मुझे यार ये इंडियन है ये, तो एंड दैट आई हैड टू गेट यूज्ड टू, नो मैन, इंडिया और हमारे बीच में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, सो दैट आई हैड टू गेट यूज्ड टू। अभी भी मैं जब जाता हूँ वापस और मेरे मुंह से अब निकलती है वही पंजाब, so you picked up some of the things. तो इंडियन हो क्या तुझे? क्या है? Like नहीं, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। लाहौर की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आप? लाहौर की ग्रीनरी, लाहौर की बाग, और the thing के वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी फील होती है। Even though I don't think इतना कोई मसला है। प्लस जब बारिश होती है तो शहर नहीं डूबता, मिस करता हूँ। होती है, बहुत बारिश होती है लेकिन डूबता नहीं है शहर। Sadly, Karachi has to face that. Who's your favorite rapper? Who's my favorite rapper in Pakistan? Generally, Pakistan and internationally. Yar, Eminem. Okay. And then Drake. Very controversial. And then Kendrick Lamar. Okay. Who favorite rapping song from them? Yeah. From Eminem. Yeah. Can you rap it? Forgot about Drake. Rap it for us. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes up when they move the list. Just a bunch of gibberish. Because I act like the forgot about Dre, you gotta have to mute some of that. So like that is one of my favorites, and like Kendrick Lamar is amazing. So, so I'm just gonna give a scenario, one or two scenarios to you, and just make pretend. ठीक है,
अगर आपने गाना गाना हो केटी पेरी या टेलर स्विफ्ट, किसको चूज करेंगे? केटी पेरी. व्हाई? कमाल आवाज. हाँ, और सुप्रीम प्रोडक्शन. हाँ, या आई लव केटी पेरी. अच्छा, अब आपको आपके ना दो फोन है. हाँ, विच आई सॉ, दो फोन ही थे, ठीक है. हाँ, एक फोन पे कॉल आ रही है शकीरा से. हाँ, और दूसरी फोन पे कॉल आ रही है केटी पेरी से. हाँ, ठीक है. और शकीरा ने आपको पहले ही बताया कि आपने जवाब देना है, ठीक है. ये पहले दोनों फोन एक साथ बज रहे हैं, दो दिन पहले कॉल आई थी. मैं शादी से तो हूं. हाँ हाँ, सुन लें, डिसेंट है बात. खुशफहमी वैसे. ओके, सो गोइंग बैक टू माय प्रिटेंड सिनेरियो. सो दो फोन है, एक फोन पे शकीरा की कॉल आ रही है एंड शकीरा ने आपको प्रपोजल भेजा था दो दिन पहले. हाँ, कि यार मेरी लाइफ पे एक वेब सीरीज डायरेक्ट करो. ठीक है, योर पैशन, राइट? यू लव मेकिंग. और दूसरे फ़ोन पे इसी वक्त केटी पेरी की आ रही है एंड उसने भी दो दिन पहले आपको प्रपोजल भेजा था कि यार आई एम मेकिंग अ न्यू वीडियो एंड आई वांट यू टू सिंग विद मी इन दैट वीडियो. हाँ, ड्यूट करना है आपने. हाँ, किसका फ़ोन पहले उठा के किसको जवाब दे रहे हैं? केटी पेरी दो सेकंड के अंदर. हाँ, मसला नहीं. हाँ, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन होऊंगा, मेरी अपनी शक्ल भी होगी उसके साथ. और इसमें वेब सीरीज में बैक स्टेज शकीरा अपने वो माय हिप स्टोन वाला कर रही होगी. ओके ओके, सो इट्स गोना बी, मेरी मशहूरी नहीं होती उसमें. ओके, कश्मीर, साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों पे प्रेशर हुआ, डिफरेंट व्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स के, आप लोग कुछ बोलें, कुछ जिन्होंने नहीं बोला खुल के या कोई स्पेशल वीडियो नहीं बनाई नारे लगाते हुए, हाउ डू यू फील अबाउट दैट साइबर बुलिंग? मतलब क्या आप, इरफान ने भी एक वीडियो निकाली, जुनेद ने भी एक वीडियो निकाली, जुनेद तो बहुत गुस्सा हुआ है, यू नो, कि या यू नो, बट इट्स सैड बिकॉज डू यू फील के यू ओ इट टू योर फैंस टू मेक सम कंटेंट व्हेन दे डिमांडेड लाइक दिस? Yeah, and I think us YouTubers, we need to stop looking at people and what they constantly want from us. They started watching us before they said, give us this thing. We gave them something and then they went like, oh, we need this. Okay. So we set the trends in that sense. Ke we started vlogging and they didn't even think vlogging was something that was going to be interesting. So, you know, like ignoring it, it was a lot. Like it was a lot. It was difficult to ignore. Yeah. And luckily I just went to Kashmir and I have an opinion on it. But if you are not, अगर आपको नहीं पता कश्मीर के मामलात क्या हैं, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो आप इलिटरेट तरीके से उसके ऊपर अपनी राय ना पेश करें. आप फिर रिसर्च कर लें. तो आई थिंक इंसान का अपना हक है, अपना प्रोगेटिव है. अगर इरफान ने उसके ऊपर कुछ नहीं कहना तो वो बेशक ना कुछ कहे, और अगर उसने किसी ने कुछ कहना है तो वो कहे. बट पीपल मेक, दे हेट यूनाइट्स पीपल. And somehow they've made it about India versus Pakistan, whereas I feel like it's about the right of the Kashmiri people to have self-determination. Unki apni raaye qaim karne ki unko jo fitrati taur pe Allah ne unko ek haq diya, wo unko diya nahi jata. Lekin ye masla, aapke khayal mein aap, Irfan, Junaid, aap log influencers hain, aap log logon ke decisions ko influence karte hain, aapka khayal hai ye? Haan, karte hain. To phir क्या ये लोगों की ये डिमांड करना जायज़ नहीं है कि आप ये बोलें? लोगों की डिमांड, क्योंकि अगर चलें आज तो कश्मीर का मामला है जो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब एक आप तो खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते, बट कल पाकिस्तान में ही कोई एक ऐसी चीज़ हो जिस पे बोलना हो, जिस पे आपके बोलने से लोग एक्शन ले सकते हैं, आवाम बाहर आ सकती है, तब ये सिचुएशन हो, तो फिर भी क्या आप लोग यही, मतलब ये होगा, मतलब जायज़ है? लेकिन देखिए, पूछा जा रहा था ना, वो कह रहे थे कि आपको डर लगता है आपके इंडियन फॉलोअर्स, यार हमारे इंडियन फॉलोअर्स इतने हैं नहीं. तो वो इस तरह के एंगल से जब आपको बुली करते हैं, यू हैड अ प्रॉब्लम विद द वे इट वाज बीइंग आस्क्ड. या या, एंड इट कम्स फ्रॉम अ वेरी इमोशनल रिजेंटफुल प्लेस, एंड आल्सो इट अंडरमाइंस अनदर थिंग, कि एक इंसान है उसकी अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कि देयर इज अ किड जेनेवीव केस इन व्हिच एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के बाहर एक खातून रेप हो रही थी, और सारों ने कहा कोई और कुछ करेगा, पुलिस वाले कुछ करेंगे, और वो खातून रेप होती है, और देवर अबाउट 200 पीपल सिटिंग देयर, देवर लाइक कोई कुछ करेगा एंड नोबडी डिड एनीथिंग. व्हाट इज दैट? इट्स द डिफ्यूजल ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप पे भी एक जिम्मेदारी है. तो जब आप अपने अलावा दूसरों को कह रहे हैं तू कुछ बोल, तू कुछ बोल, तो फिर आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं ना. आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस पैमाने पे, छोटा पैमाना है, बड़ा पैमाना है, अपने पैमाने पे बोल दें, आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी. वो एक ड्रॉपलेट है इनटू द ओशन दैट यू नीड टू ऐड. सो व्हेन यू स्टार्ट बुलिंग अदर पीपल इनटू सेइंग व्हाट यू, दे नॉट पपेट्स, यू नो, एंड दैट्स फैसिज्म. सो आई थिंक दैट आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद, बट एवरीबडी शुड स्पीक, मैन. जिसका दिल जो कहने का कर रहा है वो बोले.
And that's how democracy, this is the beauty of democracy, that's how it works. Thank you for taking our questions. Not at all. अच्छा थोड़ा लाइट आ जाते हैं ठीक है अब मैं आपको जो है यू हैव टू रिप्लाई टू अस फॉर दीज सिचुएशंस एंड क्वेश्चंस इन सॉन्ग सो आप ऐसे नहीं जवाब कर सकते आपको जवाब मुझे गाने में ही देना है ठीक है व्हाई डिड यू गेट मैरिड क्योंकि मुझे प्यार हो गया था ओके यू फाइंड आउट दैट नेटफ्लिक्स ने इरफान जुनेजो को वेब सीरीज के लिए हायर कर लिया है ठीक है गाना बताए ना आपका रिएक्शन गाना Netflix Junejo web series I don't know okay koi aapka phone lekar bhag gaya hai aur aap usko ruk jao jaane wale ruk ja you forgot your anniversary I'm sorry acha Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. okay. Ek aur up scenario. Haan. If you wake up as one of these people, yeah. and I'm going to give you the names, मैं आपको बोलूँगी. तो आपका पहली चीज़ क्या आप करेंगे? क्या आपका reaction होगा? या आपकी क्या सोच होगी? कुछ भी हो सकता है. जैसे इरफान ने बोला हमने उनका आपका नाम दिया तो उन्होंने कहा, I would like to make second season of my of Mooroo's web series. I would like to do that if I wake up as Mooroo. Yeah, so, I love you, Irfan. I love you, bro. Thanks for the encouragement. really appreciate it. So, if it. you wake up as Ducky Bhai, what would you do? If I woke up as Ducky Bhai, I would make a roast on myself. Yeah. On Ducky Bhai himself. I think it's time now, Ducky. It's time to make a roast on yourself. That's a great idea, by the way. If you are watching this, you might want to do that. पता चले वो बना चुके और मैंने शायद देखा नहीं. हाँ, sorry. नहीं बना चुके, नहीं बनाया. हम research कर लेंगे और हम edit कर देंगे इसको. अच्छा, if you wake up as Shamadris, your favorite. यार अगर मैं Shamadris हुआ तो यार मैं अपनी बीवी के साथ Niagara Falls जाऊंगा और मैं enjoy करूंगा. इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है. ये नहीं करेंगे सबसे पहले जाके अपने स्टेटस पे लिखें कि हाँ मैं डैश 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 करता हूँ जिसके लिए मुझे काफ़ी दफ़ा ब्लेम किया जा चुका है नहीं मेरी शामिल से सुलह हो चुकी है मैं फिर से नहीं पंगा लूँगा इफ यू वेक अप एज योर फेवरेट एक्ट्रेस मेहविश हयात आई एम गोना बी किल्ड फॉर दिस आई वुड जस्ट लुक एट माय सेल्फ जस्ट गो टू द मिरर आई वुड जस्ट लुक एट माय सेल्फ ओके जस्ट लाइक Wow. Appreciate myself. That's what I would do. Okay. Let's do some rapid fire. ठीक है. Do you stand with Kashmir? Yes. How can we clean Karachi? Okay, you can either say yes, no or one liners. Okay. No detailed questions. Yeah. How can we clean Karachi? By getting rid of all the dirt. Why would you smoke in a video interview? Why would I smoke? Why did you smoke in a video interview? When did I smoke in a video? Junaid ke saath. Oh, because Junaid smokes. And he had a box of cigarettes lying right there. And I generally smoke with people who smoke. But no long liners, like one liner. Okay. Because I felt like it. Is Myra Khan getting too old to play a lead? No, man. Who's... No. Your favorite Pakistani film? Sabya Sumar, Khamosh Pani. And Lal Kabutar. Yeah. Cake. God damn. Is Humayun Said too old to play a lead? No. Aamir Khan. Is Yukhano guilty of harassing female followers? I don't know. Okay. Dhaba ki dal fry or Nando's ka cake? Nando's ka cake. Elaichi, doodh patti chai ya espresso ki coffee? Doodh patti chai. Pathan hotel ka paratha ya Domino ka pizza? Pathan hotel ka paratha. Web series, hit or miss? Miss. Okay, the worst vlog you've did vlog number 34 which one what was it about it was a blah vlog it's really bad okay theek thank you aap utar gaye pura utar gaye aap standard pe pass ho gaya pass ho gaya pass ho gaya thank you in one of your interviews you said main bada supportive kism ka banda hu aur main sabke sath collaborate karna chahta hu ab bhi aap kafi der se humse mil bhi chuke hain interview bhi kar rahe hain how would you collaborate with us the fuchsia team I mean you brought this up and this is a collaboration to me I don't know maybe like interviews and the sort of scavenger hunt things that you have in mind I'm up for any new ideas yeah. I like to like in collaborations I like to feed off of other people as well okay so jo aap batayenge uske hisab se kuch naya kara jayega to maybe it will challenge me as well
मैंने आपकी वीडियोस में देखा है आप बहुत से नए लोगों को फीचर करते हैं, स्पेशली ब्लॉगर्स या डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर्स जो इतने बड़े नहीं हैं अभी, यू नो दे आर स्टार्टिंग अप. तो क्या वजह है, आपको डर नहीं लगता कि यार मैं इनको कर रहा हूँ ये मेरी फेम के बेसिस पे और बड़े हो जाएंगे, या इज इट योर थॉट के यू वांट टू सपोर्ट देम एंड यू वांट टू पे बैक टू द कम्युनिटी? वी वांट टू अंडरस्टैंड लाइक क्या थॉट है इसके पीछे, और इज इट जस्ट हैपनिंग एंड देयर इज नो कॉन्शियस थॉट अबाउट इट? मुझे आर्टिस्टिक आर्टिस्ट्स की कम्युनिटी क्रिएट करने का एक ड्रीम रही है मेरे दिमाग में कि यार मेरे पास मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त हों जिनसे मैं भी मोटिवेट हूँ, जिनसे वो भी मोटिवेट हों. तो आई मीन इरफान इज़ बिगर दैन मी. आई स्टार्टेड व्हेन कोलैबोरेटेड विद हिम व्हेन ही हैड अराउंड 8,000 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब एंड आई हैड 100,000. सो आई वाज 15 टाइम्स बिगर दैन हिम एंड नाउ ही इज़ बिगर दैन मी एंड वी स्टिल आर म्यूचुअली सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव विद ईच अदर. सो इट्स नॉट अबाउट दैट. देयर आर आल्सो points in your career where you grow fast and there are points in your career when you kind of stagnate and then you come to a breakthrough, you do something else new and that it becomes a hit. There's no knowing of these things. If you look at a artist's life in completion, which is like 40-50 years, to bahut si cheeze karta hai aur itne chote chote scale pe sochna ki wo aage nikal gaya main piche reh gaya, as long as you're getting money and you can survive and you can do what you like doing, it's all good. The rest of it is all nonsense. कॉमेडी पे सेंसरशिप होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं इस तरह की कॉमेडी पसंद करता हूँ जिसमें सेंसरशिप मुझे भी करने की कोशिश की जाती है कई दफ़ा. बट दैट साइड आई थिंक कॉमेडी इज़ अ स्पेशल थिंग इन विच यू आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट दैट इज़ बियॉन्ड बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट. सो हसीना मोइन, अनवर मकसूद, जियाउलक के ज़माने में करते थे जब hot tight with they've created very good stuff. What do you have to say about that? During the time when there was, I think opposition creates opportunity to be creative. So agar aapko kehte hain aap chuma chaati nahi dikha sakte tv pe, to banda kya kehta hai, light off karte hue dikha dete hai aur ek shadow dikha dete hai, to usse aapko intention samajh aa jati hai ki oh acha ladki ladke ka scene on. To jab wo aapko opposition di jati hai to aap creative raste dhoondte hain wo karne ke liye. So that also works. But I feel like artist पे है. अगर artist नहीं दिखाना चाहता चुम्मा अपनी फिल्म में तो ना दिखाए, और अगर वो दिखा रहा है और उसने फिल्म के शुरू में बता दिया कि भाई इसमें R rated content है, तो फिर वो आपका मसला है कि आपने देखा और अब आप offend हो रहे हैं, तो पर ठीक है आपके आपको बताया था शुरू में, you know. तो या और I guess मैंने अमेरिकन चीज़ें बहुत देखी तो मेरे स्टैंडर्ड काफ़ी लिबरल हैं उस हवाले से. अच्छा कभी you are quite famous, right? कभी अपने मशहूर होने का फ़ायदा उठाया आपने? फ्री खाने खाए हैं, हाँ, फ्री टिकट्स करता हूँ, मतलब कि कौन नहीं फायदा उठाता, सारे अपने कोई एक पर्टिकुलर मजे का कोई सीन है, कंटेंट इज आल्सो फायदा ही उठाना ना. हाँ नहीं, बट जैसे खाना और या कोई कभी लाइन में खड़े हैं बोला यार मैं मूरो हूँ, यू नो मैं निकल जाऊँ आगे या कुछ ऐसा, नहीं ऐसा नहीं, वो सोसाइटी के रूल्स तोड़ने नहीं बुरा लगता है. हाँ नहीं ऐसा नहीं कोई. क्या एक चीज़ है जो मूरो नहीं करेंगे इवन दो उसके बदले में आपको 100K लाइक्स मिल सकें? बुरा कंटेंट? मैं कहने लगा था कि मैं नंगा नहीं हूँगा, लेकिन मैं हाँ तो बोल दे एक स्पेसिफिक चीज़ बताएं. लेकिन मैं नंगा हो जाऊँगा 100K के लिए, इसलिए फिर मैं 100K के लिए भी नहीं, लाइक अगर मुझे कोई अच्छा डायरेक्टर लाइक पेड्रो अल्मोदोवार कहे कि यार भाई मैं एक और जेंडर बेंडर फिल्म बना रहा हूँ तुझे नंगा होना होगा, नंगा हो जाऊँगा. ओके ऑडिशन के लिए नंगा हो जाऊंगा, फिल्म क्या. तो वो मतलब कि डिपेंडेंट है, बट बुरा कंटेंट नहीं. इफ आई फील लाइक ये क्या फजूल चीज कर रहा हूं मैं, अब नहीं करूंगा, कर चुका हूं, अब नहीं करता. ओके एज बचपन में जैसा आप तो कैसे किस तरह के थे, शरारतें करते थे, बड़े सीरियस थे, अम्मी अब्बू के बड़े बीबे किस्म के बच्चे थे या क्या? साइलेंट सा था शुरू में, काफी शाय सा था और चुप चुप रहता था, रोता बहुत था, अकेले कमरे में अपने आप को लॉक करके घंटे कभी गिटार शुरू कर दिया, कभी कॉमिक बुक्स पढ़ रहा, तो स्पेंट लॉट ऑफ टाइम अलोन एंड वाज वेरी शाय एंड रिजर्व्ड व्हेन आई वाज टिल आई थिंक अराउंड ए लेवल्स. आई वाज वेरी शाय एंड देन समथिंग चेंज्ड एंड आई बिकेम एक्सट्रोवर्टेड एंड सिंस देन आई हैव बीन मोर एक्सट्रोवर्टेड देन. कभी एवरी नाउ एंड देन लाइक कोई बचपन का वाकया कोई ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहिए, कॉलेज में जब आप एक्सट्रोवर्ट हो गए फिर कुछ शरारत की कॉलेज में या कोई किसी के साथ, कोई एक मजे का किस्सा सुनाए हमें.
जो आपने ऑलरेडी शेयर नहीं किया हुआ, पब्लिशेबल भी हो। हाँ जो चलें उसको थोड़ा सेंसर कर लें, पब्लिशेबल बना दें। मैंने एक दफ़ा अपनी डॉर्म रूम की बाहर, मैं 13th फ्लोर पे रहता था, 13th फ्लोर के बाहर एक छोटी सी लेज थी, उस लेज पे खड़े होकर सिगरेट पी थी और फिर मुझे डॉर्म रूम से इविक्ट कर दिया गया था। दिस वाज इन माय फर्स्ट वीक ऑफ स्टडीइंग इन हाउ डिड यू गेट, मतलब पकड़े गए वो समझे मैं सुसाइड करने लगा। ओह नीचे सुनने का सुसाइड करने लगा है और मैं खाली सिगरेट पीने, और तो बड़ा ड्रामा हो गया होगा, इजाजत नहीं है। अच्छा ओके, हां बड़ा ड्रामा हुआ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम सिगरेट क्यों पी रहे थे, मैंने कहा क्योंकि आपने बिल्डिंग के अंदर तो इजाजत नहीं दी हुई, तो मैं बाहर ही पीऊंगा, तो लेज बाहर ही है ना। तो उन्होंने कहा ये क्या सीन है, तो उस पे उन्होंने इसको निकालो लड़के को ये। और फिर उनको पूरी बिल्डिंग के बाहर जालियां लगानी पड़ी क्योंकि वहां पे सुसाइड के भी इश्यूज होते हैं फलाना, तो काफी वो एक दैट्स वन। सो व्हाट मेक्स यू नर्वस? What makes me nervous? Like stars, like if I really respect, like when I met Sabia Sumar for the first time, I was nervous. Like if I meet someone like Atif Aslam, I was nervous when I met him for the first time. Like I became shy. I became the same bacha, yeah. shy, Why? Introverted. And then he said, I know one of your songs, and he sang some of the lyrics. I was like, I'm done. Yeah. I can die right now. Yeah. So, Coke Studio se invitation aayi abhi tak? नहीं आई, नहीं आई। मैंने जाके ऑडिशन दी है लेकिन नहीं आई। दुख होता है? होता था हाँ। एक रोहिले याद के जमाने में मुझे किसी ने बताया जो उनके लिए काम करते थे कि तुम्हारे गाने रोहिले याद को पसंद है। मैंने उम्मीद बढ़ गई एंड देन 4 साल गुजर गए। फिर उसी जमाने में ये भी हुआ कि वो जो दो गाने थे जो मैंने रिलीज किए थे, पहले दो गाने थे मेरे, वो मैंने इंडिया में बेच दिए यशराज फिल्म्स की एक सिस्टर कंपनी। तो वो भी फिल्में आनी थी, वो भी कभी नहीं आई। ये तो मेरे वाकई दुख हुआ, I was so excited कि ओ वो कभी फिल्म में नहीं आए, तो इंडिया में मेरी कभी, अब तो इंडिया में एंट्री किसी की नहीं होने वाली पाकिस्तान की, तो या सो म्यूजिक हैज बीन अ। अब अगर आ जाए इनविटेशन कोक स्टूडियो से तो कौन सा गाना गाएंगे आप? यार आई थिंक सबसे पॉपुलर दो एक गाने हैं मेरे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वो चलेंगे आई थिंक तस्वीर और मरियम, तो उनमें से दो गाने परफेक्टली फाइन टू। और अगर वो बोले आपके नहीं कोई और पाकिस्तानी, बिकॉज कोक स्टूडियो डज अ लॉट ना, वो दो तीन को मिला के दो आर्टिस्ट को, वो एक पुराना गाना को इन्फ्यूज करते हैं या फ्यूजन में उसको करते हैं, सो व्हिच वन वुड यू पिक? व्हिच वन वुड आई पिक? ऑफ माय ओन और नॉट योर ओन, अदर सॉन्ग? आई वुड नॉट पिक एनी ऑफ देम। यू वुड नॉट पिक अनदर पाकिस्तानी ओरिजिनल सॉन्ग्स प्लीज? ओके या सिक ऑफ दैट, सिक ऑफ द नॉनसेंस, सिक ऑफ द वही एक ही कोई पुरानी को बल्ले शाह की है, वो 100 करोड़ लोगों ने गा लिए, ठीक है खुद भी कुछ लिख लो यार, कुछ मॉडर्न लिख लो, कुछ कंटेम्प्रेरी लिख लो यार, वही पुरानी बातें करनी उस जुबान में जो आपको बोलता भी नहीं, उस तरह कोई नहीं बोलता। सो आई एम से कवर। ओके वन क्वेश्चन दैट यू थिंक वी शुड हैव आस्क्ड यू बट वी डिडंट आस्क, मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? व्हाई वुड ही आस्क यू दैट क्वेश्चन? I don't know. Okay, चलें आप इसी का जवाब दें, आप इसकी जवाब, आप इसका ही जवाब दे दें। मैं स्ट्रेट हूं completely 100% as if everybody else didn't know already but agar aapko nahi pata tha to ab aapko ye pata chal jayega. Ek hamara segment hota hai ki jo bhi hamare guests hote hain, aap dhoonde nahi ab kuch bhi yahan nahi abhi padha hua tha. Ek hamara section hota hai ki hamare jo bhi guests aate hain hum unko ek challenge dete hain to spell fuchsia. Okay, idhar udhar dekhne ki zarurat nahi hai, aapka test hai, can you spell fuchsia for us? F U S H no F U C S no F U C तक सही है, चले मैं आपकी हेल्प करूँ। F U C H yeah S yeah I yeah A yes you got it third time's the charm yeah you get it अब तेजी से बोलें F U C H S I A F U C H S I A yeah you know what I'm saying F U C H S I A can you do a rap on us एक rap हमारी जो अभी फूशा एक रैप ऑन द फूशा दो रैप ऑन द फूशा तीन रैप ऑन द फूशा एक दो तीन चार पांच आई डोंट नो क्या कह रहा हूं। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी लव हैविंग यू, इट वाज ग्रेट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू लाइकवाइज ऑफ कोर्स बोथ ऑफ अस।